हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेंस स्टाइल। आज है हमारे पास वीट सेंसिटिव टच इलेक्ट्रिक ट्रिमर। तो आज हम इसका रिव्यू प्लस डेमो भी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग कुछ इस प्रकार की है। इसमें हमें मिल जाता है एडजस्टेबल आईब्रो हेड। आप इससे अपने अपर लिप एंड चिन के बाल रिमूव कर सकते हैं, अंडर आर्म के बाल रिमूव कर सकते हैं एंड सो ऑन। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये वीट ट्रिमर आता है हमारे पास इस प्रकार के ट्रांसपेरेंट कैरी पाउच में, जो कि काफी ट्रेवल फ्रेंडली है। तो ये आपके ट्रेवल में काफी यूजफुल रहने वाला है। तो ये है हमारे पास वीट ट्रिमर। तो आप देख सकते हैं इसके साथ हमें काफी अटैचमेंट मिल जाते हैं। हम सभी अटैचमेंट आपको एक एक करके दिखाएंगे अभी। तो सबसे पहले ये है हमारे पास आईब्रो ट्रिमर का हेड। तो आप इस हेड से अपने आईब्रो बना सकते हैं। हम आपको वी ट्रिमर को अटैच कैसे करते हैं वो भी बता देंगे अभी फटाफट। तो ये है हमारे पास सेकंड हेड ट्रिमर का। इसे आप अपने हाथ और पैर के बाल रिमूव कर सकते हैं। तो इसे अटैच कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले आपको पहले वाले हेड को हल्का सा ट्विस्ट करना है। फिर आप यहाँ पर दो गैप देख सकते हैं, एक बड़ा गैप और एक छोटा गैप। फिर आप ट्रिमर हेड को इसमें अच्छे से फिक्स कर दीजिए। फिर आपको ट्रिमर हेड को हल्का सा ट्विस्ट करना है इस प्रकार। तो अब ये हेड अच्छे से अटैच हो चुका है। इसे वापस रिमूव करने के लिए आपको वापस हल्का सा ट्विस्ट करना है। तो देखिए हमें इसके साथ और भी अटैचमेंट मिलते हैं, जिन्हें आपको ट्रिमर के ऊपर लगाना होता है। वो भी हम आपको दिखा देंगे फटाफट से अभी। ये है हमारे पास बैंड ट्री, जो कि आपको ट्रिमर में लगानी होती है। और ये है हमारे पास ब्रश, जिससे आप ट्रिमर को साफ कर सकते हैं। तो आप देख लीजिए बैंड ट्री को कैसे अटैच करना है। तो आपको ट्रिमर में बैंड ट्री को कुछ इस प्रकार डालना है। और आप देख सकते हैं हमारा ट्रिमर स्टार्ट हो चुका है। फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी हेड लगा सकते हैं, जो भी हेड आपको पसंद हो वो। तो ये ट्रिमर अब यूज करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो ये ट्रिमर हमारे लिए काफी यूजफुल रहने वाला है। तो यदि आपको कहीं बाहर जाना हो और आपके पास में वैक्सिंग करने का टाइम ना हो, तो आप इस ट्रिमर का यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हमें काफी अटैचमेंट मिल जाते हैं, तो उससे हमें काफी सुविधा हो जाती है। तो ये काफी ट्रेवल फ्रेंडली भी है। आप इसे अपने पर्स में आसानी से लेकर जा सकते हैं कहीं भी कभी भी। तो ये जो बड़ा वाला हेड है, उसे आप अपने हाथ के और पैर के बाल अच्छी तरीके से रिमूव कर सकते हैं। तो ये ट्रिमर है, नॉट ए रेजर। तो ट्रिमर ट्रिमर की तरह ही काम करेगा। तो आपको इससे आईब्रो कैसे बनाने आप देख सकते हैं। हमें लेना है ये छोटा वाला हेड। इससे आप इस प्रकार धीरे धीरे आसानी से आईब्रो बना सकते हैं। हालांकि जब हम आईब्रो बनाते हैं थ्रेडिंग से, वो काफी अच्छा और काफी सफाई से बनता है, लेकिन ये इमरजेंसी में काम आ जाता है। यदि आपको कहीं बाहर जाना है फटाफट, तो इसे आप अपने इमरजेंसी में आईब्रो आसानी से बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने ज्यादा ही फटाफट किया तो आपकी आईब्रो उड़ सकती है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें।
आपको आराम से अपने आईब्रो इससे ट्रिम करने हैं। तो आप ये प्रोसेस आपको बिल्कुल आराम से और धीरे धीरे करना है, नहीं तो आपकी आईब्रो उड़ जाएगी यानी कि ट्रिम हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आप बिल्कुल ध्यान से और धीरे धीरे करें। तो अब हमने वीडियो की स्पीड कर दी है 4 गुना, तो आप ये मत समझिएगा कि हम बहुत जल्दी जल्दी आईब्रो कर रहे हैं, हम बिल्कुल आराम आराम से ही कर रहे हैं, बस हमने स्पीड थोड़ी तेज कर दी है। तो आप अपने हिसाब से इस प्रकार एडजस्ट करते हुए अपने आईब्रो को अच्छे से ट्रिम कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल प्रोडक्ट है, आपको जरूर पसंद आया होगा एंड दिस इज नॉट स्पॉन्सर्ड वीडियो। तो आपको जैसी आईब्रो की शेप पसंद है आप उस शेप में अपने आईब्रो को ट्रिम कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ा मोटा पसंद है तो मोटा ट्रिम कर लीजिए, यदि आपको थोड़ा सा पतला पसंद है तो पतला ट्रिम कर लीजिए अपने आईब्रो को। तो आप देख सकते हैं हमारे आईब्रो की शेप काफी अच्छी लग रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें एंड सब्सक्राइब टू सैंग स्टाइल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय सैंग स्टाइल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें एंड लाइक जरूर करें। थैंक यू।